अभी बहुत हुआ, इसके आगे हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, असं मनोगत मौलाना इब्राहिम जाऊरकर यांनी व्यक्त केलंय। अब नहीं सह सकेंगे, बर्दाश्त के बाहर हो गया है, असं मनोगत जमियत उलमाए हिंदचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम जाऊरकर यांनी व्यक्त केलं। ये जो खबर आई है कि कश्मीर पुलवामा में जो है तकरीबन अभी तक 46 जवान जो है शहीद हुए हैं, ये खबर सुनते ही हम सबको बहुत दुख हुआ। जमियत उलमा हिंद जो है हमेशा से आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ रही है, उनके विरोध में बड़े बड़े हमारे प्रोग्राम भी हुए और उसमें जो है लाखों की तादाद में लोग शरीक भी हुए। तो ये जो खून खराबा है, इसकी ना कोई मज़हब इजाज़त देता है ना इंसानियत इसकी इजाज़त देती है, बल्कि हर इंसान मोहतरम है, इज़्ज़त वाला है, और ख़ास तौर से वो जवान जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे हैं, उनकी तो जान जो है बहुत ही कीमती होती है, और इतना बड़ा हमला होना ये हम सब के लिए दुख की बात। आस्था गायत शांतता राखली, परंतु जवानांवरील हल्ल्यानंतर चोख प्रत्युत्तर देणं अत्यावश्यक आहे, असंही ते म्हणाले। इस तरह के हालात कब तक चलते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि तमाम भारतीय लोग इसी तरह से सभी को खड़े होना चाहिए कि इसका कुछ तो हल हो और ये खून खराबा बंद हो। आजवर माणुसकी दाखवली, मात्र आता धडा हा शिकवलाच पाहिजे। जवानांच्या कुटुंबियांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या दहशतवाद्यांना माफी नाही, हिशोभा चुकता करावाच लागेल, असं परखड मत मौलाना इब्राहिम जाऊरकर यांनी मांडलं। जमियत उलमाए हिंदचे सरचिटणीस मैनुद्दीन शेख यांनी दहशतवाद्यांचा निषेध नोंदवत शहीद जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली।